हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग। सेंट्रल एजेंसी अपने आप कोई दोष नहीं है, ईडी का सीबीआई का दोष नहीं होता, तो एजेंसी है, काम करती है सरकार का दिन, लेकिन सरकार इसको अस्त्र बना के अस्त्र बना करके काम करवाती है। आज सोनिया जी को बुलाया गया है, मेरा इतना ही कहना है कि सोनिया जी एक भद्र महिला है और अभी कोरोना से उठी हैं, कमजोर होंगी, तो क्या अगर बोलना पूछना जरूरी है कैसी है तो कम से कम उनके घर में किसी ईडी चली जाती, उनके टीम चली जाती और उनसे पूछताछ कर सकते थे घंटा डेढ़ घंटा। कमजोर है, ज्यादा उनको भी नहीं देना है, उनको ज्यादा समय भी लेना नहीं, कमजोर है, बहुत बीमार है वो, तो ये कहना है मेरा कि एक तो केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद करे और कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी का जो छवि खराब कर रही है उसके खिलाफ हम लोग नोटिस जारी करते हैं। वो अलग मामला है, सभी ईडी मुख्यालय और अन्य सक्षम जगहों पर लाखों लोग सड़कों पर है। सोनिया जी को जिस तरह से कोविड से ग्रसित होने के बावजूद ईडी के द्वारा अपने दफ्तर में बुलाया गया, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इनका इस्तेमाल अपने विरोधियों के मनोबल को तोड़ने में, उनके चेहरे को बदनाम करने में कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाकर देश के अनेक राज्यों में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, उसका हम विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालते हैं। यह मार्च तब तक चालू रहेगा जब तक देश की जनता ये जान नहीं जाएगी कि यहाँ लोकतंत्र को किससे खतरा पैदा हो गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और सोनिया जी को यह संकल्प लेके कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप डटे रहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तब तक सड़क पर रहेगा जब तक देश की आवाज़, आपकी आवाज़ जनता सुनकर स्वतः आंदोलन पर नहीं उतर आएगी। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in